ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। इन सभी धर्मगुरुओं को पता चल चुका है कि तुम्हारे पास खक नहीं, पर अब ये न्यों सोच रहे हैं कि अभी सब न पता नहीं चला है और नियम बढ़ते जितने नियम बैगी। एक पंडित जी था, वो काशी विद्यापीठ पढ़कर आया था और किसी राजा ने कोई अनुष्ठान करने की बता दी किसी ब्राह्मण ने कि भी ऐसे ऐसे को धार्मिक अनुष्ठान कराओ। उसने वजीर की ड्यूटी लगा दी मंत्री की, मंत्री ने गांव में नगर में खोजा कि भी कोई विद्वान ब्राह्मण हो। एक ब्राह्मण का पता चला कि बहुत अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, और जिसने उस राजा को बताया था कि तू कम से कम 4-5 ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाना। अब अन्य ब्राह्मणों की खोज भी की लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। इस कारण से ब्राह्मण आगे नहीं आ रहे थे कि जो काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया है वो बहुत बड़ा विद्वान है और हम तो जंतर मंतर कर लिए हैं, हमारी दाल उड़े गले नहीं, और कहीं राजा दंडित ना कर दे। और राजा ने क्या कर रखा था कि प्रतिदिन जो अनुष्ठान के लिए आएगा ब्राह्मण उसको प्रतिदिन 1 अश्रफी यानी आज का 10 ग्राम सोना यानी 35-30 हजार दिल्ली के उसको दक्षिणा मिलेगी। जो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था ब्राह्मण उसको मिली अशर्फी और उसने फिर लाया खाने पीने का सामान, अपनी पत्नी के बढ़िया गहने गुणे बनवा दिए, कपड़े अच्छे लाया। तो उसकी पंडितानी दूसरे तीसरे दिन बढ़िया गहने और कपड़े पहन कर गई कुएं पर पानी लेने के लिए। अन्य ब्राह्मणियों ने पूछा कि ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने बनवा लिए कि मेरा पति राजा के यहाँ मंत्र करने जाता है, अनुष्ठान करने जाता है, 1 अशर्फी डेली देता है राजा। तो एक और ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आप भी जाया करो ऐसे ऐसे वहां पर और राजा 1 अशर्फी देता है, आप भी तो ब्राह्मण हो। वो कहने लगा कि मिश्राणी वो तो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया है, जो वहां अनुष्ठान कर रहा है, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी उड़े बात बने नहीं। तो फिर वो लगी कहने के लगी कि तू वैसे तो इतनी पढ़ताई दिखाता है, अब जहां पर अच्छा माल मिलता है तू वहां नहीं जाता है। वो अलग ही लड़न, उसने सोचा देखी जा गया तो कड़ाई यहां भी होगी, ना जाऊंगा तो दिक्कत होगी। तो लेकर पोथी वो भी पहुंच गया मंत्री जी के पास कि मंत्री जी मैं भी ब्राह्मण हूं, आ जाओ जी बैठ जाओ। तो जो पहले वाला विद्वान बैठा था थोड़ी दूरी पर उसका आसन लगा दिया। अब वो पहले वाला तो अपनी संस्कृत जो उसने याद कर रखी थी बोल रहा था भूर भव स्व तत्सवितुर स्वाहा, हर वो दूसरा नौकर जो यू के वो स्वाहा, जो यू के वो स्वाहा, मन 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 होकर जो यू के वो स्वाहा। पर ऐसे वो दूसरी वाला भी पैसे लेकर गया अशर्फी, उसकी पत्नी ने भी खूब अपने कपड़े उपड़े सिमाए बढ़िया। तो तीसरी ब्राह्मणी को पता चला, उसने भी अपने पति को श्रृंगार दिया, वो भी चला गया। अब उसको भी आसन दे दिया तीसरे नंबर पर। पहले वाला बोलता संस्कृत भूर भव स्वाहा, दूसरा तीसरा कहता कब तक नंबर की स्वाहा, कब तक नंबेगी स्वाहा, अज्ञा कब तक नंबेगी हमारी बकवाद। फिर चौथा भी पहुंच गया, चौथे का चौथे नंबर पर लगा दिया। अब पहले वाला तो अपनी संस्कृत बोलता है स्वाहा, दूसरा कहता जो जो बोलो स्वाहा, दूसरा कहता कब तक नंबेगी स्वाहा,
चौथा कहता है नमन दे जब तुम बगी स्वाहा, नमन दे जब तुम बगी स्वाहा, अकबोल पट्टे जब तक पट्टांगे प्रीत में तब मिलन दे जो मिले। तीन धर्म गुरुआ गलना ऐसे बन रही है कि नमन दे जब तक नंबगी स्वाहा, फिर तो स्वाहा होना ही है, क्योंकि सब सफाया होगा इनका, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। इतने अनमोल जन्म के साथ ये खिलवाड़ कर रहे, या तो इनको पता नहीं था जब तक बात थी, दूसरी कि भी ज्ञान नहीं था, अब इनको ज्ञान है। एक मीडिया के अंदर चल रहा है, और एक दिन से नहीं, दो दिन से नहीं, 20 वर्ष से आ रहा है। तो इनको ज्ञान हो गया कि हम झूठे हैं, हमारा ज्ञान झूठा है, और फिर भी नहीं मान रहे। उसके लिए परमात्मा कहते जान बूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन बिना दे। चलो गलती किस पे ना बनी, पता नहीं किन किन पे गलतियां, और जो सुधार लेता है फिर संभल जाता है, वो तो इंसान होता है। जितने भी भक्त हैं और जितने भी वर्तमान के गुरु हैं, ये सभी पुण्यात्मा हैं, परमात्मा के लिए लगे। अब जो गुरुओं की तो मजबूरी बन गई कि इज्जत का नाश होगा, अब वो भगत भोले भाले हैं, उन्होंने सोच रखा गुरु कंप्लीट है, वो वहां मार खा रहे। तो कंप्लीट और इनकंप्लीट का निर्णय भगत नहीं स्वयं कर सकते। किसी डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है, प्रमाणित कर रहा है कि इसमें ये साल्ट होना चाहिए था इस रोग के लिए, ये देखो यहां लिखा है, और ये साल्ट नहीं है तो ये औषधि गलत है। तो दास वही कर रहा है कि मोक्ष मार्ग के लिए इन मंत्रों की आवश्यकता है, ये हमारे ग्रंथों में लिखे, सूक्ष्म वेद में लिखे, और हमारे जो मोक्ष प्राप्त जो संत हुए हैं उन्होंने यही फार्मूले अपनाए थे। इसके अतिरिक्त जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, वो व्यर्थ है, उसको त्याग दो, इतनी सी बात है। अप्रसंग जो चल रहा है कि परमात्मा ने कहा था तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं हो, तीनों भगवानों तीन देवताओं की, यही गीता प्रमाणित कर रही है, काल भी खुद कह रहा है। फिर ये कहता है कि मेरी भक्ति तीन प्रकार के करते हैं। अब जैसे हमारे धर्मगुरु हमारे वेद कुछ कह रहे हैं और ये कुछ कह रहे हैं, गीता ज्ञानदाता जो है ये ब्रह्म है, इसको काल भी कहते हैं। इसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में सर्पुरुष भी कहा है। ये खुद कहता है कि मेरी भक्ति चार प्रकार के करते हैं, यानी ब्रह्म साधना। ब्रह्म साधना में इन चारों वेदों में केवल ब्रह्म साधना ही लिखी है। ब्रह्म साधना यानी भक्ति तो ब्रह्म तक की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का है। यहां ये ऋषि लोग यहां मार खा गए, इनको ज्ञान नहीं था, गुरु इनको मिले नहीं, कंप्लीट संत इनको पूर्ण संत मिले नहीं, जिस कारण से इन्होंने ओम नाम जो गीता ज्ञानदाता वेद ज्ञानदाता ब्रह्म का है, सर्वपुरुष का है, इस मंत्र को इन्होंने कंप्लीट गॉड का मान लिया, पूर्ण परमात्मा का मान लिया गलती से। और परमात्मा कह रहे हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझ है ना सार रह ज्ञानी। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कितना गजब का ज्ञान बता रखा है कि अर्जुन, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ दी है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको मैं नहीं जानता, और उसके अंदर कंप्लीट यानी विस्तार के साथ बताई गई है, उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से तू मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञानदाता उससे अनभिज है। तो उसे अनभिज है तो वो पूर्ण मोक्ष हुआ कैसे, वो तो अपनी साधना बता रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमागति।
माम ब्रह्म मैंने मुझ ब्रह्म का, ओम केवल यही एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदे हम जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी अंतिम सांस तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गति। जो ओम से जो होने वाली प्राप्ति है वो परम गति हो जाती है। तो ओम जाप से ब्रह्म का जाप है तो ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। आठवें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते हैं, पुनरावर्ती होती है, उनका फिर से जन्म मृत्यु बना रहेगा। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते ना ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता स्वयं नाशवान है, तो और ये इसकी साधना किया हुआ ब्रह्म लोक में जाता है, ब्रह्म लोक में गए प्राणी फिर पुनरावर्ती में होते हैं। ये पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, ये परम शांति नहीं हुई। कौन सी? जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन को सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत लोक में चला जाएगा। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब्र मंडों की रचना की है और केवल उसी की भक्ति करो और सब पूजाएं त्याग दो, अपनी साधना को भी छोड़ने को कह रहा है कि केवल उसकी भक्ति करो। अपनात्मा, ये है श्रीमद् भगवद गीता का सार जो दास बता रहा है। अरे पहले 4 पंक्ति लिख देते थे, अर्जुन तू क्या लाया है, तेरा क्या जाता है, आत्मा तो अजर अमर है, तू क्यों चिंता करता है, बस ये था गीता सार है। खाक था गीता सार, गीता सार तो आपके सामने आ रहा है, ये था वो गीता जी का सार। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब ये जो ऋषि थे इनको गुरु नहीं मिला, और गुरु ना मिलने से इनका ये अकल आई नहीं कि तुम, ये भी तुम्हारी समझ माना चाहिए कि जो वेद ज्ञानदाता ही ये गीता ज्ञानदाता है, और वेदों का सारांश ही श्रीमद् भगवद गीता है। तो वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में ये वेद ज्ञानदाता खुद कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेने वाला, जैसे अवतार रूप में राम और श्री कृष्ण आदि मानते हैं, और कोई इसको असंभवात कहता है कि जन्म लेता ही नहीं, वो अजन्मा है, अजरो अमर है, वो कभी प्रकट नहीं होता। लेकिन इसकी सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो इनकी अकल वहां नहीं गई कि ये क्या लिखा है, ये तो वेद ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि वो तो कोई और बताएंगे, तत्वदर्शी संत बताएंगे। और यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में उसमें लिखा है कि वायु अनिलम अथितम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम शरीर के अंत होने तक इस मंत्र का जाप करना है। कौन से का? ओम कर्तु समर किल्वे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ सिमरण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का सिमरण करो। अब ये कह रहा है कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में तो इसने ये बता दिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही अंतिम मंत्र, और यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है, ये अंतिम अध्याय है और 17वां अंतिम मंत्र है, श्लोक है। उसमें वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो परोक्ष है, ऊपर है, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, और मेरा ओम नाम है। तो इनका अकल में नहीं आई कि जब और परमात्मा है तुम मंत्र कर रहे हो, ब्रह्म का वो कहता कोई और भगवान है। उसके विषय में यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में कहा कि वो कौन है, उसी कसी माने जो परम शांति दायक है, कबीरसी
वो कबीर अंगारी असी बंभारी असी, वो कबीर है, वो परमात्मा कबीर देव है जो पापों का नाश करने वाला है, और बंभारी अरि माने शत्रु, बंभर माने बंधन, यानी जो बंधनों का शत्रु है हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, और परमात्मा खुद भी कहते हैं बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं पात बंदी छोड़ कहां। और वेद स्पष्ट नाम लिख रहे हैं कि वो कबीर अंगारी असी पाप नाशक केवल कबीर देव है, और कौन पाप का नाश नहीं कर सकता, किस कोई भी देव। और बंभारी असी वो बंधनों का शत्रु है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में, और रत धामा सवर ज्योति रत धामा असी। अब बताओ सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित है वो लोक, और उस रत धाम के अंदर परमात्मा रहते हैं सतलोक में। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 से प्रमाणित है। 27 में लिखा है कि वो परमात्मा धूल लोक के तीसरे लोक में रहता, धूल लोक के यानी उस तेजो में, स्वरज्योति जो स्वरज्योति लोक है, स्वयं प्रकाशित जो स्थान है सतलोक है, उसके तीसरे पोर्शन में भगवान रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में भी लिखा है कि वो परमात्मा सभी लोकों के ऊपर के लोक में तिष्ठ थी, वहां बैठा है, विराजमान है। और ये कहा करते भगवान निराकार है, वो तो कण कण में विद्वान है, भगवान कहीं एक स्थान पर नहीं रहता। और वेद क्या बता रहे हैं, तो इनके विषय में कहा है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनेण चश्म इनके फिरा मोतिया बंदरे। किसी का सफेद मोतिया हो जाए या काला मोतिया हो जाए, उसकी आंख तो ऐसी दिखा करें गजब की, हकती ओके होगा, साफ होंगी, खूब दिखता होगा, स्वस्थ है, लेकिन उसको दिखता कती नहीं। इसी प्रकार ये विद्वान और संस्कृत के माहिर दिखाई देते थे, पर इनको मोतिया बिंद था इस ज्ञान का, अज्ञान का मोतिया बिंद था, दिखत के तो नैंड चश्म इनके फिरा मोतिया बिंद रहे। और इसी भ्रम में हम रह गए कि इन्हें खूब दिखता होगा, उंगली पकड़कर चल पड़े हमारी, आप भी गड्ढे में मर गए गिर के, और हम भी डाल दिए सारे। तो अब इस मोतिया बिंद का ऑपरेशन, अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने की सेवा इस दास को प्राप्त हुई है, पूरा विश्व आओ और ये ऑपरेशन कराओ और ठीक मार्ग ग्रहण करो। अब जो प्रश्न चल रहा है कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा तो को मंत्र है, गीता ज्ञान दाता खुद कहता ओम इति अक्षरम ब्रह्म विहान मामन स्मरण मुझ ब्रह्म का केवल एको मंत्र है। गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि जो मेरी इन बातों पर विश्वास करके मेरे आश्रित हो जाता है तो तत्वदर्शी संत को खोज लेता है। उसके पश्चात कहते हैं जरा मरण मोक्षाय यतंतीते माम आश्रित है यतंतीते, जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके तत्वदर्शी संत जिन्हों ने खोज लिया, वो केवल जरा और मरण के लिए ही, जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापे के दुख से बचने के लिए, और मरण के यानी बार बार मृत्यु ना हो उसके लिए जो प्रयत्न करते हैं, प्रयत्नशील हैं, वो तत्ब्रह्म विदु, तत्ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्म कर्मम चाखिलम, यानी वो पूरे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, तत्ब्रह्म से गीता ज्ञान दाता से अन्य वो ब्रह्म है, ब्रह्म माने भगवान होता है, उस अन्य भगवान से तत्ब्रह्म से और सारे यहां कर्मों से परिचित है और पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित हो चुके हैं। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि भगवान वो फिर तत्ब्रह्म कौन है, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है वो परम शक्ति। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, और युद्ध भी करना पड़ेगा, यानी जो भक्ति है ये हठ योग नहीं करना, कहीं पर भी प्रमाणित नहीं है कि एक स्थान पर बैठकर आसन लगाकर हठ योग करते रहो, नहीं। जैसे सूक्ष्म वेद में भी यही बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे,
नाम खाते नाम पीते नाम से तिलाग भी। और ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र में स्पष्ट हो गया कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमण करो और विशेष कसक के साथ करो और अपना मूल कर्तव्य जान के काम भी करो भक्ति भी करो। यही आठवें अध्याय के सातवें श्लोक में कह रहा गीता ज्ञानदाता कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण कर। जब युद्ध जैसे कठिन भयंकर समय में भी भगवान को याद करना चाहिए तो हम तो सिंपल पीसफुल हैं, आप तो काम करते करते मालिक की भूल पड़नी नहीं चाहिए, काम भी करो अपना। इसलिए परमात्मा स्वयं आकर के एक दुल्हा की भूमिका किया करते थे कि काम भी कर रहा हूं और भक्ति भी कर रहा हूं, दिखा रहे थे करके। वो तो हमारे लिए एक उदाहरण दे रहे थे कि मोक्ष तो ऐसे होगा जंगल में जाकर वहां दोना लगा के या किसी प्रकार खड़े बैठ गए, वो तरीका नहीं है मोक्ष का। सही भक्ति हो सही मंत्र हो अपना काम भी करो और मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मंत्र कंप्लीट हो और गुरु पूरा हो। अब जो प्रसंग चल रहा है गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में तो उसने अपनी भक्ति बता दी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 तीन मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति बताई है कि तत्वदर्शी संत बताओगा मैं नहीं जानता, उसका मंत्र बता दिया। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविद समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का, ओम तत्सत ये तीन मंत्र का जाप है और कोई मंत्र नहीं है। ओम तो ब्रह्म का है, ये तो सार्वजनिक रखा है इसने, और तत् और सत्य सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। जैसे बादाम के ऊपर एक कवर होता है उसके अंदर छिलका होता है और वो बादाम ही कहलाता है, लेकिन वो छिलका खाने का नहीं, छिलका उसके अंदर है वो। तो ऐसे ही के अंदर ये कोड वर्डों में वो गिरी छुपा रखी थी, वो दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है, इसका भेद भी नहीं, किसी को छीट भी नहीं लगी किसी को। तो उस परमात्मा के पाने का, सतलोक में जाने का, परम शांति प्राप्त करने का केवल एक ओम तत्सत ये तीन अक्षर का मंत्र है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 16, 17 और 18 तीन मंत्रों में और 19 में एक और अलग से ज्ञान दे रहा है। ये कह रहा है कि मेरी भक्ति चार प्रकार के करते हैं, एक अर्थार्थी यानी ब्रह्म साधना जो किया करते थे ब्राह्मण लोग, केवल वेदों से ही अनुष्ठान करते थे, चाहे कोई किसी को का संकट निवारण के लिए, आर्त माने संकट दुखी, संकट निवारण के लिए और अर्थार्थी धन लाभ प्राप्ति के लिए। जैसे आजकल कोई अन्य मंत्रों से कोई अनुष्ठान करता है ऐसे नहीं करते थे, वो केवल वेद मंत्रों से ही किया करते थे। और जिज्ञासु वो होता है जो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला, वैराग्य हो गया, संन्यास ले लिया, जैसे भी उसने गुरु मिले उनसे ज्ञान ग्रहण करके वो वक्ता बन गया और दुनिया में प्रसिद्ध हो गया उस खिचड़ी ज्ञान से। ये महर्षि दानंद कैसे न कक्का पता नहीं था, महर्षि पाक गए। तो ये जिज्ञासु था, घर से निकला था परमात्मा के लिए, आगे वो नकली गुरु मिले इनको, उन्होंने जो उसमें भर दिया उसने आगे वो फैला दिया। तो ये कहता तीसरे जो जिज्ञासु अर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु ये रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये भक्त नहीं है। चौथा ज्ञानी बताया है कि ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी उसको कहते हैं कि जिसको यह ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि परमात्मा प्राप्ति नहीं होती इस जीवन का कोई यूज नहीं, नंबर एक। नंबर दो, एक तो मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, दूसरा मनुष्य जीवन प्राप्त करके यानी मोक्ष नहीं हुआ तो इसका कोई फायदा नहीं इस मिट्टी का। तीसरा उनको यह ज्ञान हुआ कि इन देवी देवताओं की भक्ति से मोक्ष नहीं होगा, एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। तो वो इस कारण से उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा नहीं की, वो केवल ब्रह्म साधना करने लगे। वेदों को जैसा ब्रह्मा जी ने समझा तो उसके बाद सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त है,
और जैसा उसने वेदों का अर्थ समझमाया वही हमारे ब्राह्मणों के पास था, और जो आज तक ये कर रहे थे वो आपके समक्ष है। ये केवल जो ब्रह्म के साधक थे वो केवल ओम जाप करते थे और कुछ नहीं। इन ब्राह्मणों को ये समझ में नहीं आया कि तुम ये तो और भी बता रहा है कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी जानकारी कोई संत रखता है, तत्वदर्शी संत रखता है, वो ज्ञान वो है जो भगवान खुद आकर अपने मुख कमल से बताता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो परमात्मा की वाणी है, उसके मुख से उच्चरित है। और यही चारों वेद प्रमाणित करते हैं। आपको बहुत बार सुनाया है, बताया है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, इसका संक्षिप्त सारांश दास बता देता है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, उसके सतलोक में, और वहां मनुष्य के राजा के समान, जैसे राजा सिंहासन पर विराजमान होता है, सिर पर मुकुट मुकुट धारण करके ऐसे बैठा है, वहां से गति करके आता है इस लोक में, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान देता है, और वो परमात्मा इस पृथ्वी पर घूम अपने मुख से बोलकर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में यहां तक लिखा है कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है, तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 17 और 18 में स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव, और कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से यथार्थ ज्ञान प्रचार करता है, और जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक गिना जाता है, लेकिन वो होता है भगवान, वो होता है परमात्मा। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में स्पष्ट कर दिया कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने ज्ञान का प्रचार करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में यह स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा जिसके बारे में पहले जिक्र चलता रहा है, वो पूर्वोक्त परमात्मा अपनी वाणी के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल कर यथार्थ ज्ञान सुनाता है, और वो एक गुप्त मंत्रों का भी को भी सार्वजनिक करता है, उसका भी रहस्य उद्घाटन करता है, यानी उनको प्रकट करता है, जो भक्ति के यथार्थ मंत्र है उनको भी आविष्कृत करता है। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कहते सोहम शब्द किसी वेद गीता और आपको पुराणों में नहीं मिलेगा, ये सोहम शब्द हम लाए। वैसे मूल ग्रंथ है वेद और गीता, इनमें सोम शब्द नहीं मिलेगा। यदि किसी अन्य शास्त्र में है तो कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं और इनसे मिलते रहे हैं, जैसे शंकर भगवान को भगवान मिले थे कबीर साहब साधु रूप में, और इनको भी ये सोहम मंत्र दिया था, ये उसका जाप करते हैं, लेकिन वो कंप्लीट कोर्स नहीं दिया इनको, किसी को ओम दे दिया, किसी को हरियम दे दिया, विष्णु जी को लक्ष्मी को हरियम दे रखा है, ये उसका जाप करते हैं, और हम भी उसी का जाप करते हैं, तो हमसे प्रेम करते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं हमारे साथ, इसलिए इन मंत्रों को आपको इसलिए दिया गया है, ये इनकी पूजा नहीं है, इनसे लाभ लेने के ये मंत्र हैं। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था और गरीबदास जी को बताया था, हम बैरागी ब्रह्मपद और सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेवा। तो यही वेद बताता है कि परमात्मा जब आते हैं अपनी वाणी के द्वारा ज्ञान प्रचार करते हैं, तो उस एक भक्ति मार्ग के गूढ़ मंत्रों का भी, गुप्त मंत्रों का भी वो सार्वजनिक करते हैं, जो किसी को भी ज्ञान नहीं होता। अब इनके या बुद्धि में नहीं आई कि वेदों में इतना ढेर सारा ज्ञान है, तुम कर क्या रहे हो, वो मंत्र तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ जो परम अक्षर ब्रह्म का है, ये तो ब्रह्म का जाप है, ओम और ओम जाप पर गाटा जोड़ रहे, सारा जीवन खो दिया। तो यहां परमात्मा ने बताया है कि
गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इसे सब सिद्ध है कि ये अज्ञानी थे जितने भी ब्राह्मण, ब्रह्मा जी से लेकर विष्णु और शिव जी तक, और नीचे के तो गिनती क्या, इनको वेद ज्ञान भी नहीं था। उसमें किसकी भक्ति बता रखी है। संत परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया है, और यह इस दास के ऊपर प्रजा की है, क्योंकि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे, अच्छी आत्माओं को, उनको मना कर दिया था, उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि अभी इन मंत्रों को किसी को सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बिजली पीढ़ी जो मैंने पार करना सभी संसार को, उस समय ये नकली लोग जितने भी गुरु हैं यही ज्ञान और यही मंत्र देते पाओगे। और ये हैं काल के दूत, इनको अधिकार है नहीं ये दाप देने का। तो अनधिकारी जो पासपोर्ट बना हुआ या कोई ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, चालक प्रमाण पत्र, वो कामयाब नहीं होता समय पर, और लगता एक जैसा ही है। तो परमात्मा ने इसलिए आंख मिचौनी करके इस समय तक इस ज्ञान और इस समाधान को गुप्त रखना था, और अब सार्वजनिक करने का आदेश दास में हो चुका है। अब ये कर रहा है, और तो आप समझ रहे हो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये प्रश्न चल रहा है कि ज्ञानी आत्मा थी तो नेक, क्योंकि इन्होंने भगवान पाने के लिए अपना जीवन उछावर कर दिया, हजारों वर्षों तक तप किया। लेकिन ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम गति में स्थित रहे। ओए होए, अब देखो इन हमारे धर्म गुरुओं ने सातवें अध्याय के 18वें मंत्र में जो अनुतम शब्द है उसका अर्थ कर दिया अति उत्तम, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ गति। अब चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ लो भाई, उत्तम माने गुड, अनुत्तम बैड, और ये बैड का अर्थ और गुड लिखा हुआ है, तो कितनी अकल होगी इन धर्म ग्रंथों के अनुवादकर्ताओं में। एक अन्य की अकल नहीं थी, एक अन्य की, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मानकर सब ग्रंथों को वहां जोड़ने की चेष्टा की, तो ये जुड़ा नहीं करती। चोर चुरावे तुम बड़ी गड्ढे पानी में, वह गड्ढे व उपराव न सच्चाई छ नहीं ना। अब ये खुद कह रहा है कि ये उद्धार आत्मा सातवें अध्याय 18वें श्लोक में श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में दास वर्णन कर रहा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा ये है तो उद्धार, नेक है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं, और ये मेरे वाली यानी ब्रह्म, ये काल बोल रहा है, मेरे वाली अनुतम गति में ही आश्रित रहे, घटिया घटिया गति में। अब ये घटिया क्यों कही अनुतम, ये तो सर्वश्रेष्ठ लिख रहे हैं, गलत कर रखा है ना। इसलिए कहा कि जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में इसने बता दिया कि मेरा देखो मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक करते रहोगे तो इसकी जो मिलने वाली परम गति को प्राप्त होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, और खुद भी इसने स्पष्ट कर दिया दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता जी में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसने यह भी स्पष्ट कर दिया 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसी की भक्ति करो जिन्होंने सारे गुरुमंडलों की रचना की है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, सनातन शाश्वत स्थान जिसका कभी नाश नहीं होता, वहां गए प्राणी फिर लौट कर नहीं आते, और ब्रह्म साधक तो पुनर्वर्ती में। तो 7वें अध्याय के 18वें श्लोक का ये अर्थ है कि मेरी साधना करने वाला फिर भी अनुतम घटिया साधना में लीन रहा, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटेगी नहीं,
और जब तक जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी, शाश्वत स्थान मिलेगा नहीं, जहां जाने के बाद वापस नहीं आते, तब तक परम शांति हो ही नहीं सकती। इसलिए इसने अपनी साधना को अनुत्तम कहा, घटिया कहा। और जैसे एक चुनक ऋषि की कथा दास बहुत बार सुनाता है, एक चुनक ऋषि थे, उन्होंने वो थे उद्धार ज्ञानी आत्मा, उन्होंने परमात्मा पाने के लिए समर्पित हुए, जैसा ऋषियों से ज्ञान हुआ, ओम नाम का जाप और हठ योग किया। हठ योग किसी साधना में, किसी वेद में प्रमाणित नहीं है, ना किसी सदग्रंथ में प्रमाणित है। ये भूल कहां से लगी इनको? ब्रह्मा जी जब नारद जी पूछ रहे हैं देवी पुराण के तीसरे स्कंद कि एक ब्रह्मांड की रचना बताओ पिताजी, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद क्या बताऊं, मैं होश में आया तो मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा जनक है। फिर मैं खोज करने लगा, ऊपर नीचे धक्के खाए, फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तो इसने ब्रह्मा जी ने या आकाशवाणी थी तकाल की ब्रह्म की कि तप करो, इसने मान ली पूर्ण परमात्मा की, क्योंकि सामने तो आता नहीं, गुप्त आदेश देता रहता है इनको, तो ये वहां से ले लिया तप करना इसने ब्रह्मा जी ने। जबकि वेद तो इसने बाद में प्राप्त हुए, जब सागर मंथन किया प्रथम बार, जब वेद काल के परमात्मा ने ये कंप्लीट कोर्स दिया था, 500 वेद दिए थे इसको, इंक्लूडिंग ये सुख संवेद यानी तत्व ज्ञान, इसके अंदर फीड कर दिए थे, वहां सतलोक से इसके हृदय में भेज दिए थे काल के। जैसे आप देखते हो आजकल यहां से ईमेल के माध्यम से फिल्म की फिल्म चली जाती है दूसरे स्थानों पर, वहां डाउनलोड कर लो, ऐसे इसके वहां भेज दिया। जब ये इसने बाहर डाउनलोड किया, सांसों के द्वारा इसके बाहर आए थे सारा वेद, इसने जब पढ़ा, इसने देखा कि उस वेद में वो कंप्लीट एक का वेद था, एक पूरा ग्रंथ था, इसने पढ़ते पढ़ते देखा कि इसमें तो बहुत जानकारी है ऊपर की सच्चे भगवान की, इसने वो पोर्शन निकाल दिया। और ये 4 वेद भगवान के डर से ये 4 वेद रख लिए, जिसमें महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है और साधना केवल इस ब्रह्म तक की है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कबीर भगवान ने कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलू, ये वेद जानते ना। 4 वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं धर्मदास, 600 वर्ष पहले भगवान बताया करते थे, इन 4 वेदों में मेरी महिमा कंप्लीट भर रखी है कति, लेकिन जिस वेद से मैं मिलूं, यानी जिस ज्ञान से जिस विधि से मेरी प्राप्ति होगी वो इसमें नहीं है, वो तो परमात्मा स्वयं आकर देता, तत्व ज्ञान उसके अंदर है। तो जब तक उस परमात्मा की विधि प्राप्त हुई नहीं, ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान का क्या लाभ हुआ। तो ये इस प्रकार इन ऋषियों के साथ धोखा हुआ, इन्होंने ओम नाम तो ले लिया वेदों से पूर्ण परमात्मा का जान कर, और ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मानने लगे, इसी को परम अक्षर ब्रह्म कहने लगे, इसी को पूर्ण परमात्मा, इसी को अक्षर ब्रह्म, इसी को परम अक्षर ब्रह्म, इसी को ब्रह्म, कोई बात हुई। एक स्टेट के मंत्री को, मुख्यमंत्री को, कोई प्रधानमंत्री भी कहो, राष्ट्रपति भी कहो, तो कितना विद्वान है वो, क्या जाना उसने उस प्रोसीजर को। तो इस प्रकार इन ऋषियों के साथ अभी तक इन्हों धोखा हो गया। तो इस तुनक नाम के ऋषि ने वेदों वाला तो वो मंत्र ले लिया, उसका जाप शुरू किया और हठ योग ले लिया। अगर मां की दंत कथा लोक वेद में नहीं है, श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 में जो दास ने आपको बताया कि तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी से जो हो रहा है, ये सब इसका निमित्त कारण मैं ही हूं। ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और विष्णु जी से सती थी, शंकर जी से संहार हो रहा, इसका नियमित कारण गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता मैं हूं। फिर इसने ये बताया ब्रह्मा विष्णु महेश तक इनकी पूजा में जिनकी बुद्धि सचिर है, इनका ज्ञान हरा जा चुका, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर 7वें अध्याय के 20 से लेकर 23 तक और निर्णय ज्ञान दिया है, जो इन देवताओं की जो पूजा करते हैं वो पूजा तो कर रहे हैं भगवान समझ कर, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इनको जो मैंने थोड़ी बहुत पावर दे रखी है उसका अक्षीणिक लाभ इन मूर्खों को प्राप्त हो रहा है, ये स्थाई नहीं है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं तक सीमित रह जाएंगे, इनका जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। फिर गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में
23 और 24 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो शास्त्र विधि को तक्रमण आचरण करते हैं तो उनके तक गति होती है और न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है न ही कोई सुख होता है, यानी यूजलेस। 16 में जाए कि 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो साधना करनी चाहिए जो ना करनी चाहिए वो सदग्रंथ ही प्रमाण है, इसके अतिरिक्त किसी की लोक वेद कर किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। 17वें अध्याय के 1 से लेकर 6 तक निर्णायक ज्ञान दिया है। अर्जुन ने पूछा कि जो शास्त्र विधि त्याग कर और जो मनमानी साधना करते हैं उनका स्वभाव कैसा है, वो किस स्वभाव के होते हैं और कैसी भक्ति करते हैं। तो गीता ज्ञानदाता कहता है जो अच्छी आत्मा है वो तो इन देवताओं की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और जो वो तो अच्छी आत्मा होती है, और दूसरे जो होते हैं वो तो सतोगुणी होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, लेकिन अच्छी आत्मा जो होती है वो तीन ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं की, वो तो सतोगुण स्वभाव के होते हैं और रजोगुण स्वभाव के होते हैं ये जो साधना करते हैं ये यक्षों की और अन्य साधना जंतर मंत्र भूत प्रेत पितरों की, और जो तमोगुण प्रभाव के होते हैं ये सेवड़े टाइप के लोग होते हैं, ये इस तरह की साधना करते हैं। और लेकिन इन सब का फिर निर्णय दिया है 17वें अध्याय के 6 श्लोक में कि ये सभी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले मूर्ख इस शरीर के अंदर मुझे भी और परमात्मा का भी वास है इसके अंदर, उसको भी ये क्रश करते हैं, इनको राक्षस स्वभाव का जान और ये अच्छी आत्मा नहीं है, क्योंकि गीता का समझना कोई बालकों का खेल नहीं। परमात्मा बुद्धि दे अपने कृपा पात्र पे तभी ये अनमोल ग्रंथ समझ में आते हैं। और टीचर उसी को कहते हैं जो हमारे सिलेबस को ठीक से जाने, वो टीचर कहां, जब सिलेबस का ज्ञान नहीं अटपट सुना रहा है तो टीचर नहीं है। तो जितने भी आज तक धर्मगुरु किसी भी धर्म के हैं उनको अपने सिलेबस का ज्ञान वर्तमान वालों को नहीं है, इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं है, ये कद्दे समझ माजी उतर है। और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ है सबका जानकारी है, एक की नहीं, क्योंकि हमारा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ, केवल हिंदू धर्म के सद ग्रंथ नहीं पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबकी जानकारी दास को दी है कबीर भगवान ने उस परमात्मा थी। अब जो प्रश्न चल रहा था आज का कि सबसे पहले गुरु हो और पूरा हो, अब जो प्रश्न चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये उद्धार आत्मा ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम गति में स्थित रहे घटिया बने, उसको अपने अनुतम क्यों कहा, अश्रेष्ठ क्यों कहा गीता ज्ञानदाता ने। जैसे चुनक नाम के ऋषि ने हजारों वर्ष साधना की, समर्पित हो गए, कोई देव देवता की पूजा नहीं करेंगे हम, केवल एक एक परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो अज्ञानता से उसने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया और हठ योग ब्रह्मा जी का, क्योंकि इनके धर्मगुरु ब्रह्मा जी थे सबके, कि ब्रह्मा जी ने वेदों को जो जाना है किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है, वो फाइनल हो गया उनके लिए कि ब्रह्मा जी प्रथम पुरुष मानते हैं ये ज्ञान के, तो इसलिए निसंशय होकर उस गलत साधना पर उड़ गए। हजारों वर्ष तप किया, गीता ज्ञानदाता 11वें अध्याय के 47-48 में कहता है कि अर्जुन जो मेरा रूप तूने देखा है, ये भयंकर रूप जिसको देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपने लग गया था और कहा था भगवान इस लीला ने समेट लो, कहता है ये है मेरा वास्तविक रूप और इसके दर्शन तेरे से पहले ना किसी को हुए ना आज्ञा होंगे, ना किसी वेद में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरे दर्शन नहीं कर सकता। इससे सिद्ध होगा कि वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं है। गुणात्माओं आप शिक्षित हो, बालक नहीं हो, और सबके घर में तकरीबन जो साधक हैं हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के घर में गीता जरूर पाओगे, गीता प्रेस गोरखपुर की प्रकाशित, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तो वो हमारे लिए रजिस्ट्री कैसी है
जैसे तहसील में रजिस्ट्री हो जाकर हम उसको इतना ऑथेंटिक मानते हैं, इसमें जो लिखा है सही है, ये पढ़कर देखना। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से जो साधना जिन्होंने की भगवान नहीं मिल सकता, तो भगवान उनको मिलना ही नहीं था, उसमें कुछ और उनको ये सिद्धि वगैरह आ गई जिनकी हमने कति आवश्यकता नहीं थी। इन सिद्धियों के बल से ये महर्षि पा किए। अब चुणक ऋषि ने हजारों वर्ष तपस्या की, भगवान तो इनको मिलना ही नहीं था, मिला ही नहीं, ये एटम बम बन गए, एटम बम सिद्धि के। उधर से एक चक्रवर्ती राजा था, मानधाता, पूरी पृथ्वी पर शासन था उसका। और ये राजा लोग दूसरे तीसरे चौथे वर्ष क्या करते हैं, एक अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, पूरी पृथ्वी पे घोड़ा घुमाकर आते हैं जिसके साथ सैकड़ों सैनिक होते हैं। राजा का पर्सनल घोड़ा होता है, हॉर्स, पर्सनल हॉर्स होता है, और उसके हॉर्स उसके गले में पट्टी बांध दी जाती है, पंपलेट लटका दिया जाता है कि ये राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, और जिसने राजा की प्राधीनता स्वीकार ना हो, अन्य छोटे राजा उसके अंतर्गत थे पृथ्वी के, वो इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, 72 अक्षौणी, पहले मेजरमेंट अक्षौणियों में होता था, 72 अक्षौणी, एक सीधा सा समझ लो 72 करोड़ समझ कर चलो, 72 करोड़ सेना है। अब जो भी राजा पंपलेट को पढ़ रहा था वो सरेंडर कर देता कि मुझे स्वीकार है, मुझे उनसे लिखवा कर लेते थे। तो घोड़ा वापस आ रहा था, जाते समय भी चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गए वो लापरदा, जो वापस आ रहे थे जब ऋषि उधर से काल ने उसका रिमोट से उसमें प्रेरणा कर दी। अब देखो इस काल के जाल को भगवान के तत्व ज्ञान से समझेंगे। पहले तो ये क्या करता है, इनको गलत साधना करवा के एटम बम बनवा लेता है और फिर स्वयं प्रयोग करता है इनको। जैसे ब्रह्मा जी से आकाशवाणी कर दी, तप करो, 1000 वर्ष तप किया, उसमें सिद्धि आएगी। अब रिमोट से कहा कि चलो सृष्टि करो, अब जब वो सिद्धि खत्म हो जाएगी ब्रह्मा मरो और गधा बनो, चलो हो गया काम इसका। अब इसने ऐसे ही इसके साथ किया हुआ, चुड़क ऋषि के साथ किया, जब वो परिपूर्ण हो गया, बम बन गया एटम बम सिद्धि का, तब उसके अंदर प्रेरणा करती कि ये कौन है, कहां से आए हो, पूछा उन सैनिकों से। सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी हम मानधाता चक्रवर्ती राजा के सैनिक हैं। उस ऋषि ने पूछा कि इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा भाई, खाली कैसे है ये, कि राजा का घोड़ा, इस पर बैठ नहीं सकते, इसे गले में क्या लटका रखा है, कि इसमें ये लिखा हुआ ऐसे ऐसे। तो ऋषि ने पूछा कि सभी पृथ्वी पर घूमे किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा कि नहीं, और सैनिक होते ही हम तो मुंह फट, कहने लगे कौन पकड़े, किसकी माँ ने दूध पिलाया, जाट तोड़ दिया हम उसकी, पता है इसमें लिखा राजा के पास 72 करोड़ सेना है। अब ऋषि, अब काल प्रेरणा, क्योंकि साधना काल की रखी तो काल जैसे काम करेगा वो, तो उसके मन में आई कि इस राजा को सबक सिखाना चाहिए, इसमें अभिमान बहुत हो गया। अब ऋषि भगत का और जगत के साथ क्या संपर्क, अकल के चोर थे ये। अब उन पंगा पा लिया कि घोड़ा भाई मैं पकड़ता हूं, ऋषि बोले मैंने घोड़ा पकड़ लिया और तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब सैनिक कहने लगे रे कंगले तेरे दाने खाने को नहीं, युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती के साथ, तेरी क्यों साथ बोल दे रही है अपनी जपले माला, बाबा जी चुप करके इसी में खैर है तेरी। अब ऋषि भी पूरा अहंकारी, वो भी काल था पक्का, कहने लगा भाई मैंने जो दौट लिया और घोड़ा बांध दे, बांध लिया जा बे, कर ले तुमने जो करना, कह दे तेरे राजा। अब देखो 1000 वर्ष तक डलेड होए और क्या प्राप्ति की, सिद्धि। उस सिद्धि से 4 परमाणु बम बना लिए। वचन की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है, इस साधना से जब सिद्धि आ जाती है तो वचन से, परमात्मा ने भी वचन से सब सृष्टि रची, और उस परमात्मा से थोड़ी बहुत हवा टायर में भर के हरियाणी पाक जाते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति करके छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त कर ली।
अब उस सिद्धि से उसने चार परमाणु चार पुतली बना दी। संत भाषा में उसको पुतली कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में चार परमाणु बम समझ लो। अब जाकर के सैनिकों ने राजा से बताया तो महामंत्रियों की पंचायत करी। मंत्रियों ने कहा कि राजन, आज एक आदमी ने हिम्मत की है, कल दूसरे का मुंह उठेगा। और निप द इवल इन द बट, बुराई को प्रारंभ में समाप्त कर देना चाहिए और उसको खत्म कर दो ऋषि को। तो एक आदमी को मारने के लिए उसने क्या किया, राजा के मंत्रियों ने 72 करोड़ सेना के चार पार्ट बनाए बटालियन, और एक में 18 करोड़ सेना एकदम भेज दी कि और भी जनता देखोगी इतनी सेना जा रही है, सबके कलेजे धड़केंगे, कोई हिम्मत नहीं करेगा बकवाद करने की, इस उद्देश्य से। अब जो ही उधर से ऋषि ने वह एक पुतली छोड़ दी, उसने 18 करोड़ सेना का सर्वनाश कर दिया। उसके परमाणु बन गए न जाने कितनी, पुतली बनकर कट्टा कट तलवार तलवार दिखे चलती, सबकी गर्दन काट दी। राजा ने दूसरी भेजी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। ऐसे 72 करोड़ सेना का उस चुनक ऋषि ने नाश कर दिया। अब यहां सूक्ष्म वेद में बता रहे हैं परमात्मा, और इसलिए ये काल कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो बार, लेकिन मेरे वाली इस गटिया गति में सचित रहे। अब इसके साथ क्या बनेगा, यहां सूक्ष्म वेद में क्या बताया है कि 72 अक्षौणी अक्षय करी, ये चुनक ऋषि सुवर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख। कहते 72 अक्षौणी अक्षय करी, सत्यानाश कर दिया 72 करोड़ सेना का, और चुनक ऋषिश्वर एक, यानी चुनक नाम के ऋषिश्वर ऋषियों में भी श्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है कि उसने 72 अक्षौणी सेना को खा गया। वो 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत फिर जोरा माने मौत, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेष। कहते ये चलते फिरते ऋषि दिखे तुमने, ये तो चलती फिरती मौत है मौत। अब किसी ने कुछ थोड़ा सा टोक दिया, जा तेरा नाश होगा, सारी उम्र तक डले डोए, किसी को आशीर्वाद दे के किसी को बद्दुआ दे के, ये फिर जीव के जीव हो जाते हैं, अपनी उस सिद्धि का नाश कर देते। अब क्या बनेगी इस ऋषि के साथ, इसने ओम नाम का जाप किया इसके, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर कबीर साहब की शरण में नहीं आते तब तक हमारे जितने भी पुण्य या पाप या भक्ति कर्म हैं ये अलग अलग से लिखे जाते हैं। तप के कर्म अलग से, जप के कर्म अलग से, पाप अलग से, पुण्य अलग से। तो ये जो इसने ओम नाम का जाप किया इसके प्रभाव से ये जाएगा ब्रह्मलोक में, वह हजारों युगों तक ये ठाठ करेगा अपनी पूंजी तय ओम नाम की कमाई से। उसके बाद तप से राज होता है, तप से राज, राज मदमानम अर्जुनम तीसरे शिखर स्वानम, स्वान माने कुत्ता। फिर ये तो वहां से नीचे पड़ेगा, ब्रह्मलोक से नीचे डाला जाएगा, उसके बाद ये बनेगा पृथ्वी पर राजा चुनक ऋषि उस तप के प्रभाव से। और राजा बने का आपको पता है, ये किसी को बद करते हैं, ये कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते, अपने अपने कुछ कुल के लोगों से तृप्ति किसी को कुछ नहीं देते थे, और ना जाने कितने जीवों को लूट लूट कर सत्यानाश करते हैं, शिकार खेलते हैं, पता नहीं कितने पाप कमाते हैं। और फिर ये बनेगा कुत्ता, जब राज का भी समय पूरा होगा एक दिन, फिर बनेगा ये ऋषि कुत्ता, और इसके सिर में पड़ेंगे कीड़े। और वो 72 करोड़ दो सेना मारी थी जीव को, चे शक्ति तो सिद्धि तो मार दे वचन से, चे तलवार से मार दे, एक जैसा पाप है, तो वो चुन चुन कर बदला लेंगे इसके, ऋषि के सिर में कीड़े खाएंगे इसको। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरी साधना 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये है तो उदार व्यक्ति ज्ञानी, लेकिन मेरे वाली उस घटिया साधना में ही लीन रहे, क्योंकि इनका जन्म मरण मिट नहीं सकता, जब तक जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा इतने परम शांति नहीं हो सकती।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? लक्ष्य बरकड़े। लक्ष्य जी कहाँ से आए हैं आप? इंदौर द्वारकापुरी। लक्ष्य जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश आपने कब लिया? हमने संत रामपाल जी महाराज से 7 अप्रैल 2017 में ली। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम, मेरे घर के सामने एक मेरी फ्रेंड रहती थी, उसके वहाँ आरती चला करती थी। तो जब वो आंटी जी क्या करते थे मुझे कि ये सच्चे गुरु है तो इनसे नामदान लेंगे तो अपना मोक्ष होएगा। और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे प्रणाम करने लगा, आरती करने लगा और सत्संग सुनने लगा। उसके बाद मेरी मम्मी को ने एक पुस्तक दी थी ज्ञान गंगा। फिर उसके बाद है ना, मेरी मम्मी को भर्ती करा था अस्पताल में, तो मैंने ना वहीं पे बेड पे गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मेरी मम्मी की तबीयत सही हो जाए। फिर उसके 2-3 दिन बाद मेरी मम्मी की तबीयत सही हो गई और मेरी मम्मी घर आ गई। आपकी मम्मी को क्या हो गया था? मेरी मम्मी को बच्चेदानी में गठान हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि अभी बड़े ऑपरेशन से ही ये ठीक होगी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज को जहाँ पे बैठ था उस पर प्रणाम करा, अरदास लगाई कि संत रामपाल जी महाराज मेरी मम्मी की तबीयत सही हो जाए। फिर उसके एक दिन बाद फिर गुरुजी वो डॉक्टर ने आके बोला कि आपका काम हो गया, 2 दिन बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी अस्पताल से। फिर उसके बाद हम घर आए। फिर उसके बाद है ना, 1 महीने बाद मेरी मम्मी और मेरे पापा और मैंने, हम सब ने नामदान ले लिया वो संत रामपाल जी महाराज से। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 10 वर्ष की उम्र है। इतनी छोटी सी उम्र में आपको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कैसे समझ में आ गया? वो है ना, परी की हमारे घर के सामने एक जो भगतमती रहती है, उनने एक भूकंप की वीडियो बताई थी। तो उस समय मैं डर रहा था वहाँ पे, तो उनने बोला कि इनसे आप नामदान ले लो तो आपकी ये भूकंप से और इन सब से अपन बचे जाएंगे। फिर हम उनसे नामदान ले लिया हमने संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति करते थे? हाँ, मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ता था। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको क्या लाभ हुआ? हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरे को कुछ लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी मम्मी को भर्ती कर लिया था अस्पताल में। जब मैं हनुमान चालीसा करता था तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। जब मैं एक दिन फ्रेश होने गया तो उसमें से एकदम से ब्लड निकला, तो मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने बोला ये कौन सी बीमारी हो गई। तो फिर उसके बाद ना मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम करा। फिर उसके बाद अभी तक मेरे को वो बीमारी नहीं हुई है। आपको आज दुनिया में बहुत से लोग सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश तो मैं उनको नहीं दे सकता, परमात्मा आके संदेश देंगे। मैं उनको प्रार्थना कर सकता हूँ कि अभी कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हैं तो उनसे नामदान ले और अपना कल्याण करवाए। संत रामपाल जी महाराज से नामदान कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अभी कई चैनलों पे सत्संग उनके आते हैं, तो नीचे एक पट्टी आती है उस पे फोन नंबर आते हैं, तो उनसे कॉल करके आप नामदान ले सकते हैं। क्या आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं? हाँ, मेरे को मालूम है। तो आपको ये नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, आपने उनको अपना गुरु बना लिया, कुछ गलत किया? नहीं, वो गुरु है, उनको जेल में नकली अपराध में डाला गया है। ये सब धर्म गुरुओं ने हमारे पूर्ण परमात्मा को नकली आरोप लगा के जेल में डाल दिया है। अभी तो उनके 2 केस बली भी हो गए हैं, जल्दी से जल्दी वो पूर्ण परमात्मा अभी बाहर आ जाएगी जेल से। पूर्ण परमात्मा आप किसे कह रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज को। धन्यवाद। सत्साह है।